नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 सितंबर 2018। देख लेते हैं कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। पहला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है दलित वर्ड के यूजेस के बारे में। नीचे का आर्टिकल इंडियन क्रिकेट टीम के टेस्ट रिकॉर्ड के बारे में है, नहीं डिस्कस करेंगे। बीच में आर्टिकल इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में है, इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। नीचे आर्टिकल सिलोज के बारे में, यानी गवर्नमेंट जो फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करती है उसको किस प्रकार से स्टोर करके रखा जाए ताकि फफूंदी ना लगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो 5 एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया है उनके बारे में है, ये आर्टिकल इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में है, डिस्कस करेंगे। कोट है आज का, एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, डार्कनेस से लाइट की मूवमेंट है शिक्षा। ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो एजुकेशन के बारे में कुछ लिखना हो। एलन ब्लूम का ये कोट है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल्ड क्लास के लोगों को दलित वर्ड से पुकारा जाना चाहिए या फिर नहीं। जीएस पेपर 1 के इन टॉपिक्स के साथ आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट को जानने से पहले हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। देखो, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, मतलब धार्मिक शास्त्रों में, दलितों को शूद्रांस और चंडाल्स के नाम से पुकारा गया है। ब्रिटिश इरा में दलितों को रेफर किया जाता था अनटचेबल्स के नाम से। कंसेप्ट उस समय प्रचलित था प्योरिटी एंड पोल्यूशन का, लेकिन ब्रिटिश रूल ऑफिशियली यूज करता था वर्ड डिप्रेस्ड क्लासेस। यहां पर देखो, डिप्रेस्ड क्लासेस वर्ड ऑफिशियली यूज किया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और सोसाइटी में वर्ड प्रचलित था अनटचेबल। महात्मा गांधी ने जो स्टिग्मा अटैच था शेड्यूल्ड क्लास के लोगों के साथ कि वो पोल्यूटेड क्लास है, इस स्टिग्मा को हटाने की कोशिश की और उनको नाम दिया गया हरिजन। हरिजन का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी भगवान के बच्चे। लेकिन दलित कम्युनिटी ने इस नाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दलित कम्युनिटी का कहना था हरिजन वर्ड से लगता है कि हम पर कोई एहसान किया जा रहा है, नाम बदलने से क्या होगा अगर सोसाइटी में चीजें वैसी की वैसी हैं, हायरार्की वैसी की वैसी है, तो नाम बदलना तो एक प्रकार का पाखंड है। उसके बाद देखो, वर्ड प्रचलित हुआ दलित। दलित जो वर्ड है वो कम्युनिटी के द्वारा अपने आप से अपनाया गया है, किसी पर्सन ने उनको ये नाम दिया नहीं है। दलित वर्ड का लिटरली मतलब है डाउनट्रोडन, जिन्हें रोन दिया गया हो, जिन्हें कुचला गया हो। दलित वर्ड देखो रिफ्लेक्ट करता है कम्युनिटी के द्वारा कितना संघर्ष किया गया है अपनी आइडेंटिटी को रीअसर्ट करने के लिए। दलित वर्ड ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि कितना संघर्ष किया है कम्युनिटी के लोगों ने अपने उन अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जिनसे उन्हें सदियों से वंचित रखा गया। थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि दलित वर्ड सबसे पहले इवोल्व कैसे हुआ। देखो, 1972 में सबसे पहले शेड्यूल क्लास के लोगों ने अपना नामकरण किया दलित वर्ड से। उस समय एक दलित लीडर थे जिनका नाम था नामदेव धासल। इन्होंने दलित पैंथर्स का कंसेप्ट फेमस किया। उस समय देखो, यूएसए में ब्लैक्स के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज होती थी, तो ब्लैक्स ने यूएसए में अपनी अलग से एक पार्टी बनाई, ब्लैक पैंथर पार्टी। पैंथर का मतलब होता है तेंदुआ। ब्लैक पैंथर पार्टी का मकसद यह था, अगर यूएसए में पुलिस ब्लैक्स पे अत्याचार करती है, एट्रोसिटी करती है, तो ब्लैक पैंथर पार्टी के जो मेंबर्स होंगे वो एग्रेशन के साथ पुलिस की एट्रोसिटी का मुकाबला करेंगे, हथियार भी होंगे ब्लैक पैंथर पार्टी के मेंबर्स के पास। तो इसी मूवमेंट से प्रभावित होकर नामदेव धासल ने 1972 में दलित पैंथर्स का कंसेप्ट फेमस किया। पहले क्या होता था, दलित मूवमेंट में न्याय की गुहार लगाई जाती थी, लाइवलीहुड के लिए प्रार्थना की जाती थी, लेकिन 1972 में ये दलित पैंथर्स मूवमेंट जो चली, इसमें यही डिसाइड हुआ कि यूएसए के ब्लैक पैंथर्स पार्टी की तरह हम भी सड़कों पर घूमेंगे एक नए एग्रेशन के साथ, हमें इंफीरियर फील होने की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से। अगर हमारे खिलाफ कोई गलत वर्ड इस्तेमाल करेगा तो उस सिचुएशन का हम सामना करेंगे एग्रेशन के साथ और कन्फ्रंटेशन के साथ। तो ये अपने आप में नया एसर्शन देखने को मिला था 1970s में, और उसी समय दलित वर्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। नेक्स्ट देखो, आज से लगभग 10 साल पहले 2005-2006 के आसपास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के द्वारा कहा गया कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन में दलित वर्ड का इस्तेमाल ना किया जाए। उन्होंने कहा
कि संविधान के आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से ऑफिशियल कम्युनिकेशन में दलित की जगह शेड्यूल कास्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाए। तो ये हमने पूरा बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं कंटेस्ट की तरफ। 6 जून को देखो बॉम्बे हाईकोर्ट का एक आदेश आया। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सरकार को कहा कि आप विचार कीजिए क्या ऑफिशियल कम्युनिकेशन से दलित वर्ड को हटाया जा सकता है। तो इसके बाद देखो सरकार ने यानी यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने मीडिया को एक एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया मीडिया आउटलेट्स को कि आप कोशिश कीजिए कि दलित वर्ड का इस्तेमाल आप ना करो न्यूज़ को पब्लिश करते वक्त, इसकी जगह आप शेड्यूल कास्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब देखो हम पक्ष और विपक्ष के आर्ग्यूमेंट्स जानेंगे। कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कहते हैं दलित वर्ड बिल्कुल उचित है और सरकार की ये जो गाइडलाइंस हैं वो गलत हैं। इन आर्ग्यूमेंट्स में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो यही है कि कोर्ट ने सरकार को सिर्फ विचार करने के लिए कहा था, कंसिडर करने के लिए कहा था कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन में दलित वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। कोर्ट इस वर्ड के यूजेज की मेरिट्स और डीमेरिट्स में नहीं गया था। उसके बाद तीसरा आर्ग्यूमेंट देखो, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की ये जो एडवाइजरी है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इस मिनिस्ट्री ने न्यूज आउटलेट्स को एडवाइजरी देते हुए कहा कि आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन में दलित वर्ड का इस्तेमाल ना कीजिए, लेकिन न्यूज आउटलेट्स के द्वारा जो न्यूज पब्लिश की जाती है वो ऑफिशियल नहीं होती है, वो तो बियॉन्ड ऑफिशियल होती है। तो ये जो गाइडलाइंस हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज करने वाली हैं। अगला आर्ग्यूमेंट देखो, ये सरकार का काम नहीं है मीडिया को बताना कि मीडिया कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है और कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, जैसा देखो हमने डिस्कस किया, दलित वर्ड जो है उसको चुना गया है कमिटी के द्वारा ही, किसी थर्ड पर्सन ने उनको ये वर्ड नहीं दिया गया है, उन्होंने खुद ही इस वर्ड को चुना है। ये वर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवोल्व हुआ है। इस वर्ड के साथ दलित कम्युनिटी के लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट जुड़ी है, एसर्शन जुड़ी है, सॉलिडरिटी जुड़ी है। सॉलिडरिटी मतलब एकजुटता, यूनिटी, एकता। और देखो कास्ट उत्पीड़न के अगेंस्ट जो अपोजिशन किया गया है दलित कम्युनिटी के लोगों के द्वारा, वो स्पिरिट जुड़ी है दलित वर्ड के साथ। तो इस वजह से दलित वर्ड का इस्तेमाल बंद नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से ब्राह्मिन्स को ब्राह्मिन्स के नाम से पुकारा जाता है, उसी वजह से अगर दलितों को दलित नाम से पुकारा जाता है तो इसमें गलत क्या है। हर एक कम्युनिटी का अलग से नाम है, उनकी आइडेंटिटी है, तो शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को भी अपनी अलग से आइडेंटिटी है, इससे उनको वंचित करके नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट हम उन आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं जो एडवोकेट करते हैं दलित वर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पहला आर्ग्यूमेंट देखो ये है, हमारे देश को इंटीग्रेटिव नैरेटिव की आवश्यकता है, ऐसे नैरेटिव्स जो समाज को जोड़ें, ना कि ऐसे नैरेटिव जो समाज को तोड़ें। इस प्रकार से देखो हर एक कम्युनिटी के लिए एक अलग से आइडेंटिटी होगी, अलग से नैरेटिव होगा, तो इससे समाज के और ज़्यादा टुकड़े होंगे, ना कि समाज जुड़ेगा। बात सिर्फ दलित वर्ड की नहीं है, किसी और कम्युनिटी के लिए कोई वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी बैन होना चाहिए। मतलब समाज इंटीग्रेटेड होना चाहिए, देश इंटीग्रेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, किसी स्पेसिफिक कास्ट को डिनोट करने के लिए कोई वर्ड होना ही नहीं चाहिए, इवन शेड्यूल कास्ट वर्ड का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। देखो ये जो कास्ट आइडेंटिटीज हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा वोट बैंक के लिए, वो जानबूझकर एक जाति के लोगों को दूसरी जाति के खिलाफ भड़काते हैं। इवन राजनीतिक दल भी जातिगत समीकरणों के आधार पर किसी पर्सन को टिकट देते हैं और वोटर्स भी इसी प्रकार से डिसाइड करते हैं कि ये हमारी जाति का कैंडिडेट है, हम इसे वोट देंगे। इन सब चीज़ों से देखो देश का भला नहीं होता है। इस वजह से सरकार का जो ये डिसीजन है कि दलित वर्ड का इस्तेमाल ना किया जाए, ये बिल्कुल ठीक डिसीजन है। तो इस प्रकार से हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। एक काम कीजिए, आप बताइए अगर आपको लगता है कि दलित वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि दलित वर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए आप इस वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ दलित वर्ड, दलित वर्ड किस प्रकार से इवोल्व हुआ, पहले आपको ये डिस्कस करना है। उसके बाद आपको बताना है क्या आप सोचते हो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो रिसेंट एडवाइजरी है दलित वर्ड को
ना यूज करने के पक्ष में, इससे दलित कम्युनिटी लोगों की जो पहचान है वो दब जाएगी, क्या आप ऐसा सोचते हो? 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स के साथ आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 1999 में कारगिल का युद्ध जब हुआ, उस युद्ध में हमने बेहतरीन विजय प्राप्त की, लेकिन शेखटकर कमेटी के द्वारा बोला गया कि कारगिल युद्ध के दौरान एयरफोर्स और आर्मी के बीच कोऑर्डिनेशन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आईं, तो इस वजह से इंडिया में 3 थिएटर इंटीग्रेटेड कमांड्स इस्टाब्लिश होनी चाहिए। ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स होती क्या है? थिएटर का मतलब है, देखो यहाँ पे ज्योग्राफिक रीजन, जैसे ईस्ट की तरफ चाइना हमारा एक एनमी है, ईस्टर्न रीजन को आप एक थिएटर कह सकते हैं। वेस्ट की तरफ पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो वेस्टर्न रीजन को आप थिएटर कह सकते हो। और पूरा साउदर्न रीजन जो है वो मरीन सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो साउदर्न रीजन की सिक्योरिटी के लिए अलग से आप एक थिएटर कमांड इस्टाब्लिश कर सकते हो। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी देखो जब भी कोई ऑपरेशन चलाना होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो हमारी तीनों फोर्सेज, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, आपस में कोऑर्डिनेशन करती हैं। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, कोऑर्डिनेशन में बहुत सारी दिक्कत आती हैं। लेकिन अगर एक ही कमांड हो जो कि इंटीग्रेटेड हो, मतलब एक ही कमांड के अंदर आर्मी के रिसोर्सेज आए, एयरफोर्स के रिसोर्सेज आए और नेवी के रिसोर्सेज आए, तो ऑपरेशन चलाने में काफ़ी आसानी होगी, कोऑर्डिनेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर देखो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इस्टाब्लिश की जाएगी, तो वो कमांड किसी इंडिविजुअल सर्विस के प्रति अकाउंटेबल नहीं होगी। यानी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की जवाबदेही ना तो आर्मी के प्रति होगी, ना ही नेवी के प्रति और ना ही एयरफोर्स के प्रति। हाँ, ऑफिसर सभी सर्विसेज से होंगे इस इंटीग्रेटेड कमांड में, रिसोर्सेज सभी सर्विसेज से होंगे इस इंटीग्रेटेड कमांड में। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। पहले देखो होस्टेज क्राइसिस हमारे देश में हो जाते थे, या फिर किसी प्रकार का ऑपरेशन चलाना होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए बिना, कोई स्पेशलाइज्ड फोर्स नहीं थी हमारे देश में। आर्मी अगर इस प्रकार का ऑपरेशन चलाती थी, पैरामिलिट्री फोर्स अगर इस प्रकार का ऑपरेशन चलाती थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाता था। एग्जाम्पल है 1984 में स्वर्ण मंदिर में जो ऑपरेशन चलाया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और सिखों की भावनाएं आहत हो गई थी। इस वजह से एक स्पेशल फोर्स का निर्माण किया गया, एनएसजी का। अब देखो एनएसजी के लिए अलग से कमांडोज की रिक्रूटमेंट नहीं होती, ऑलरेडी हमारी जो मिलिट्री सर्विसेज हैं या फिर पैरामिलिट्री सर्विसेज हैं, वहीं से आते हैं पर्सनल एनएसजी के अंदर। कहने का एसेंस ये है कि हमारी ऑलरेडी जो मिलिट्री सर्विसेज या फिर पैरामिलिट्री सर्विसेज हैं, वहाँ से पर्सनल आए डेपुटेशन पे एनएसजी के अंदर, और एनएसजी को अलग से रिसोर्सेज दिए गए, इनको हथियार दिए गए, एयरक्राफ्ट मुहैया करवाया गया, इनको बोला गया कि आपका काम है होस्टेज क्राइसिस से निपटना, या फिर ऐसी जगह पे अगर ऑपरेशन चलाना है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, इस बारे में आप स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हासिल कीजिए और ऑपरेशंस चलाइए। उसी प्रकार से इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में क्या होगा, कुछ ऑफिसर और पर्सनल आएंगे आर्मी से, कुछ आएंगे एयरफोर्स से, कुछ आएंगे नेवी से, कुछ हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट्स आएंगे आर्मी से, कुछ हथियार और इक्विपमेंट्स एयरफोर्स से और बाकी नेवी से। अलग से एक कमांड होगी और जो अपने ऑपरेशंस चलाएगी, कोऑर्डिनेशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो जब भी युद्ध होता है तो फैसले लिए जाते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के थ्रू। मैं आपको चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के बारे में बताता हूँ। हमारे एक आर्मी चीफ होते हैं, एक नेवी के चीफ होते हैं और एक एयरफोर्स के चीफ होते हैं। एक पोस्ट होती है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तीनों फोर्सेस के चीफ में सबसे ज्यादा जो सीनियर होते हैं वही पर्सन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी। मान लीजिए एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो सबसे ज्यादा सीनियर हैं, तो ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी होंगे। तो इनके थ्रू युद्ध केस में फैसले लिए जाते हैं, और आमतौर पर देखो युद्ध केस में फैसले सहमति के साथ ही लिए जाते हैं, कंसेंसस के साथ लिए जाते हैं। लेकिन कंसेंसस मनने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, इसलिए फैसले जल्दी से और इफेक्टिव रूप से नहीं लिए जाते। लेकिन एक ही इंटीग्रेटेड कमांड होगी, वो इंटीग्रेटेड कमांड जल्दी से बिना टाइम गवाए इफेक्टिव रूप से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सर्विसेज को यूज कर सकेगी जहां पर यूज करना है।
तो ये पूरा कंसेप्ट है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का। सेखटकर कमेटी ने कहा कि तीन थिएटर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होनी चाहिए, एक ईस्टर्न रीजन के लिए, एक वेस्टर्न रीजन के लिए और एक साउदर्न रीजन के लिए। आर्मी कहती है कि ये कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स होनी चाहिए ताकि रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन ना हो, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। लेकिन एयरफोर्स के द्वारा विरोध किया जा रहा है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का। एयरफोर्स का यह कहना है देखो ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है, अगर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को इस्टेब्लिश किया जाता है तो रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया जाएगा एयरफोर्स से इस इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की तरफ और एयरफोर्स के पास कुछ रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स का यह भी कहना है अगर वास्तव में तीनों फोर्सेस के बीच कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करना है तो पहले तो देखो डिफेंस मिनिस्ट्री को इंटीग्रेट किया जाए, उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट की जाए। जैसा मैंने आपको बताया था अभी देखो आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ के ऊपर परमानेंट कोई पोस्ट नहीं है। हाँ, एक चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की पोस्ट है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और इन तीनों सर्विसेज के चीफ में जो सबसे ज्यादा सीनियर होता है वही पर्सन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा मांग ये उठती है कि अलग से एक पोस्ट क्रिएट की जाए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो इन तीनों सर्विसेज के चीफ्स के हेड होंगे। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो, अभी जो ऑलरेडी पोस्ट है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इस पोस्ट पे आप एक अलग से पर्सन को अपॉइंट करो। अभी फिलहाल जो कंसेप्ट है ये ठीक नहीं है कि तीनों सर्विसेज के चीफ में जो सबसे सीनियर होंगे वही चीफ ऑफ स्टाफ भी कमेटी होंगे, ये कंसेप्ट गलत है। आप अलग से एक पर्सन को नियुक्त करो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पे, जिसके अंतर्गत ये तीनों सर्विसेज के चीफ काम करेंगे। अगर ये कंसेप्ट आता है तो तीनों फोर्सेज के बीच और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन इस्टाब्लिश हो सकेगा। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स वैसे देखो ये भी दिए जा सकते हैं, इंडिया का ज्योग्राफिक रीजन जो है वो काफ़ी छोटा है, तो इंडिया के ज्योग्राफिक रीजन्स के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड अगर इस्टाब्लिश की भी जाती हैं तो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि देखो यूएसए, चाइना, रशिया, इन देशों के पास जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स हैं वो इन्होंने अपने देश से बाहर ऑपरेशंस चलाने के लिए बनाई हुई हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए की इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है पैसिफिक रीजन के लिए, उसी प्रकार से रशिया और चाइना की थिएटर कमांड्स भी हैं। लेकिन अपने देश में ऑपरेशन चलाने हो तो यूएसए की कोई इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड नहीं है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट बात आर्टिकल में बोली जाती है, पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को सेनेटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं, 1999 में कारगिल का युद्ध जब हुआ था तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा कहा गया था कि फुल स्केल वार छेड़ दिया जाए पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट ने इजाजत नहीं दी। पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट्स ने कहा कि आप सिर्फ एयरफोर्स का इस्तेमाल कीजिए उसी जगह पे जहां पे कब्जा हुआ है हमारे रीजन का, हमारी लोकेशंस का, और इवन आर्मी का इस्तेमाल भी वहीं होना चाहिए, किसी दूसरे रीजन में आर्मी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बावजूद हमने काफ़ी अच्छी जीत प्राप्त की कारगिल के युद्ध में। उसके बाद देखो 2001 में हमारी संसद पर अटैक होता है और ऑपरेशन पराक्रम चलाया जाता है। ऑपरेशन पराक्रम क्या है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया था, यही इसी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पराक्रम। एक साल तक फोर्सेस तैनात रहीं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, मिलिट्री ऑफिसर्स तैयार थे युद्ध लड़ने के लिए। और उसके बाद देखो 2002 में जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ा अटैक भी हुआ जिसमें कई सारे हमारे जवान शहीद हुए, सिविलियंस की जाने गई, तो ऐसा लग रहा था जैसे अब युद्ध स्टार्ट ही हो जाएगा, लेकिन युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ। 2008 में मुंबई में जब हमला हुआ तब भी युद्ध के ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया गया था, लेकिन उस समय हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया और ये डिसाइड किया युद्ध ना लड़ना ज़्यादा लाभदायक है एज कंपेरिजन टू युद्ध लड़ना। लेकिन मिलिट्री ऑफिसर्स 2008 में भी तैयार थे युद्ध लड़ने के लिए। कहने का एसेंस ये है कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स एक समान होने चाहिए, कन्वर्ज करने चाहिए। और देखो मिलिट्री ऑफिसर्स को एक बात समझने की आवश्यकता है कि आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ही क्यों ना हो, सबका मकसद होना चाहिए नेशनल एम को सर्व करना। युद्ध से अगर नेशनल एम सर्व नहीं होते हैं तो युद्ध का कोई फायदा नहीं है। अगर युद्ध ना लड़ने से हमारे
एम्स सर्व होते हैं, राष्ट्रहित में है युद्ध ना लड़ना, तो यही सही है, ये बात समझनी होगी सभी सर्विसेज को। सबसे लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है तीनों सर्विसेज को देखो मंथन करना चाहिए, फ्यूचर में वार किस प्रकार से हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि भविष्य में जो युद्ध होगा वो कॉन्टैक्ट वार ही होगा, यानी दो देशों की जो मिलिट्री है आपस में लड़ेगी। नॉन कॉन्टैक्ट वार भी देखने को मिल सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए हमारी फोर्सेज पाकिस्तान के पंजाब में कब्जा कर लेती हैं वहां पर, तो किस प्रकार से जवाब आएगा पाकिस्तान की तरफ से? क्या हाइब्रिड वार देखने को मिल सकता है? जो आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तोयबा या फिर दूसरे आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल करते हैं, वो हमारी फोर्सेस के खिलाफ युद्ध करेंगे? क्या वहां के जो लोग हैं वो हथियार उठाएंगे? तो इस प्रकार की सारी संभावनाओं पर विचार करना जरूरी है। चाइना का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, चाइना इंडिया का युद्ध होता है तो चाइना किस प्रकार से जवाब दे सकता है? चाइना वाटर वार खेल सकता है, इंफॉर्मेशन वार खेल सकता है, साइकोलॉजिकल वार खेल सकता है, यानी सिविलियन एरिया में किसी प्रकार की मिसाइल का अटैक चाइना कर सकता है। अगर हमारे सिविलियन एरिया में किसी प्रकार का अटैक होता है तो लोग किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, किस प्रकार की मुश्किलें उस समय आ सकती हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए अभी से। आर्म्ड फोर्सेस का स्ट्रॉन्ग होना इस बात की गारंटी नहीं देता है कि हमारे देश के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स सर हो जाएंगे। आप यूएसए का एग्जाम्पल ले सकते हो, यूएसए की मिलिट्री तो देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान में तो विजय नहीं प्राप्त कर सकी यूएसए की मिलिट्री। तो जहाँ पे पॉलिटिकल बैटल्स लड़नी हैं, डिप्लोमेटिक बैटल्स लड़नी हैं, वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस काम नहीं आ सकती। इवेंचुअली मकसद यही होना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट सर्व हों, चाहे वो पॉलिटिकल टूल्स की सहायता से, डिप्लोमेटिक टूल्स की सहायता से या फिर आर्म्ड फोर्सेस की सहायता से। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, शुरुआत में फोकस था इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के ऊपर और बाद में होलिस्टिक नेशनल इंटरेस्ट को कैसे सर्व किया जाए वो इशू भी हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल फूड वेस्टेज के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और इवन जीएस पेपर 3 से भी आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। हमारे देश में सरकार जो ग्रेन प्रोक्योर करती है उसको कैसे स्टोर करके रखा जाता है, इस प्रकार की पिक्चर आपने खूब देखी होगी। सरकार जो ग्रेन प्रोक्योर करती है उनको बारिश से बचाने के लिए इस प्रकार के तिरपाल से ढक दिया जाता है। लेकिन देखो ऐसे जो स्टोर किया हुआ ग्रेन है वो सुरक्षित नहीं रह पाता और बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है फंगल अटैक हो जाता है ग्रेन पर, मतलब फफूंदी का अटैक हो जाता है। तो एक आंकड़े के अनुसार सरकार जो ग्रेन प्रोक्योर करती है उसमें से 10% ग्रेन जो है वो खराब हो जाता है और 6% ग्रेन की वेस्टेज होती है सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज की वजह से, ऑलमोस्ट 18 लाख टन। और बाकी 4% जो ग्रेन्स की वेस्टेज देखने को मिलती है वो ट्रांसपोर्ट और दूसरे रीजन्स की वजह से। ग्रेन देखो जो स्टोर किया जाता है सरकार के द्वारा, जैसा हमने डिस्कस किया, वो इतनी ज़्यादा खराब कंडीशंस में स्टोर करके रखा जाता है, फफूंदी का अटैक हो जाता है, उसके बाद वो ग्रेन्स पब्लिक के कंजप्शन के लिए उचित नहीं रहता। लेकिन विदेशों में सरकार जो ग्रेन को प्रोक्योर करती है वो सिलोज में स्टोर करके रखती है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ग्रेन ड्राई रहता है और एयर्ड भी रहता है, इस वजह से किसी प्रकार का फंगल अटैक देखने को नहीं मिलता इन सिलोज में। यूएसए में 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में जब महामारी फैली तो पहला काम देखो यूएसए के द्वारा यही किया गया, बड़े स्केल पर इस प्रकार के सिलोज इस्टाब्लिश किए गए और एक रेलवे नेटवर्क भी इस्टाब्लिश किया गया ताकि फूड ग्रेन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके। आज यूएसए के पास देखो इतने सारे सिलोज हैं, मतलब इतने सारे इस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, जितना ग्रेन आज के समय में यूएसए में प्रोड्यूस होता है सभी ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जा सकता है इन सिलोज में। लेकिन इंडिया की कैपेसिटी की आप बात कर लीजिए, इंडिया में सिर्फ 4 सिलोज हैं, एक कोलकाता में, एक चेन्नई में, एक मुंबई में और एक हापुड़ गाजियाबाद में। सबसे लेटेस्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी है सिर्फ 500 टन की। सोच के देखिए 18 लाख टन तो फूड ग्रेन हमारे देश में वेस्ट हो जाता है स्टोरेज की वजह से और कैपेसिटी कितनी कम है उन फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। वैसे पंजाब का एग्जांपल दिया जाता है, पंजाब में सिलोज जो हैं वो इस्टाब्लिश किए गए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सहायता से, ये काफ़ी अच्छा मॉडल है। लेकिन देखो जिस बासमती राइस को एक्सपोर्ट करना होता है सिर्फ उसी राइस को स्टोर करके रखा जाता है इन सिलोज में, कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 50,000 टन की। ऐसा इसलिए किया जाता है
क्योंकि अगर बासमती राइस को इन सिलोज में स्टोर करके नहीं रखा जाएगा तो एक्सपोर्ट के लिए ये बासमती राइस सुटेबल नहीं होगा। वेस्टर्न कंट्रीज इस बासमती राइस के एक्सपोर्ट को स्वीकार नहीं करेंगी, यानी सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज की मार्केट के लिए सिलोज में इस बासमती राइस को स्टोर करके रखा जाता है। इंडिया की मार्केट के लिए बासमती राइस को इन सिलोज में स्टोर करके नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल में ये बोला जाता है, सरकार फूड ग्रेन्स को अच्छे से स्टोर करके नहीं रखती और बाद में उसी फूड ग्रेन को जनता खरीदती है, तब काफ़ी सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। एक स्टडी में कहा गया कि ऐसा फूड ग्रेन जिसको सरकार ने ठीक से स्टोर करके नहीं रखा गया है, तो ऐसे फूड ग्रेन्स को अगर जनता कंज्यूम करती है, मतलब लो डोज ऑफ माइकोटॉक्सिन्स कंज्यूम कर रही है जनता। जनता देखो अपने हिसाब से पूरी कोशिश करती है। आपने देखा होगा घरों में हम किस प्रकार से एयर टाइट कंटेनर्स में आटे को स्टोर करके रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जिस सरकार से हमने ये फूड ग्रेन्स खरीदा है उसमें माइकोटॉक्सिन्स ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। बाद में आटे को माइकोटॉक्सिन्स से प्रिजर्व करने का क्या फ़ायदा जब ऑलरेडी उस आटे में माइकोटॉक्सिन्स एंटर कर चुके हैं। क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो देखो यही इमर्ज होकर आता है, हर साल सरकार को पता है मानसून आता है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, फिर सरकार फूड ग्रेन्स को इस प्रकार से सड़ने के लिए क्यों छोड़ देती है? क्यों सिर्फ तिरपाल्स का सहारा लिया जाता है फूड ग्रेन्स को बचाने के लिए? क्या हमारे देश में स्टील की कमी है? नहीं है। फिर सरकार बड़े स्केल्स पे सिलोस को इस्टाब्लिश क्यों नहीं करती? सबसे लास्ट आर्ग्यूमेंट, एक तरफ तो देखो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, काफ़ी स्टेप्स ले रहे हैं। अरे भाई, फूड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके क्या होगा जब आप फूड ग्रेन्स को अच्छे से स्टोर ही नहीं कर सकते? फूड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सरकार कुछ पैसा खर्च करे और ज़्यादा से ज़्यादा सिलोज इस्टाब्लिश करे ताकि फूड ग्रेन्स जो सरकार के द्वारा प्रोक्योर किए जाते हैं उनको अच्छे से स्टोर करके रखा जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फूड ग्रेन्स को स्टोर करने को लेके। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और यूएसए रिलेशंस के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेस्ट आपको पता है आज से 2+2 डायलॉग ऑर्गेनाइज होगा इंडिया और यूएसए के बीच। देखो एक मेजर इशू फ्रिक्शन का है इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में, काट्सा। काट्सा का मतलब है काउंटरिंग अमेरिकाज एनमी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये यूएसए का एक एक्ट है। इसकी सहायता से यूएसए उन देशों पर सैंक्शंस लगा सकता है जो रशिया के साथ डिफेंस रिलेशंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं। इंडिया के पास देखो अभी बहुत से हथियार हैं जो इंडिया ने रशिया से इंपोर्ट किए हैं, तो उन हथियारों की मेंटेनेंस के लिए इंडिया को रशिया की आवश्यकता है। इवन और भी काफ़ी सारी डील्स हैं जिन पे अभी काम चल रहा है इंडिया और रशिया के बीच। फॉर एग्जांपल S-400 ट्रीमूफ मिसाइल्स, ये मिसाइल्स इंडिया रशिया से इम्पोर्ट करने वाला है। अगर देखो ऐसा इंडिया के द्वारा किया जाता है तो काट्सा एक्ट की सहायता से यूएसए जो है इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है, क्योंकि इंडिया रशिया के साथ डिफेंस रिलेशंस मेंटेन कर रहा है। लेकिन हाल ही में यूएसए की कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन पास किया था, उस रेजोल्यूशन के अनुसार यूएसए के द्वारा अपने एलाय कंट्रीज को वेवियर दिया जा सकता है इस एक्ट से, फॉर एग्जाम्पल वियतनाम, इंडोनेशिया और इंडिया। लेकिन देखो हाल फिलहाल में यूएसए के बड़े अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार से सिग्नल मिले हैं कि इंडिया ये मान के ना चले कि यूएसए इंडिया को वेवियर देगा ही, यानी इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। इवन यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा ये संकेत दिए गए कि आप रशिया के साथ डिफेंस रिलेशंस मेंटेन करके ही क्यों रखना चाहते हो? आपको रशिया से कोई हथियार चाहिए? रशिया से आप कोई हथियार इंपोर्ट करना चाहते हो? आप हमसे वो हथियार इंपोर्ट कर लीजिए, यूएसए के पास बेहतर क्वालिटी के हथियार उपलब्ध हैं। लेकिन देखो ये इंडिया पर डिपेंड करता है, हमारी मर्जी है, हमारी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है कि हम कौन से देश से हथियार को इंपोर्ट करेंगे और कौन से देश से नहीं करेंगे। आप हम पे कोई डिसीजन इंपोज नहीं कर सकते। तो राइटर के कहने का एसेंस ये है कि जल्द से जल्द काट्सा इशू को सोल्व नहीं किया गया तो ये इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं होगा। आज से 2+2 डायलॉग ऑर्गेनाइज हो रहा है इंडिया यूएस के बीच। देखना यह होगा कि इस इशू को एड्रेस किया जाता है या सिर्फ बातें ही बोली जाती हैं और 2+2 डायलॉग सिर्फ एक मीटिंग बन के रह जाती है। तो आज हमने 4 इश्यूज पे फोकस किया। सबसे पहले हमने फोकस किया दलित वर्ड के यूज पे, दूसरे नंबर पे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में,
तीसरे नंबर पे सिलो से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया, चौथे नंबर पे इंडिया और यूएस के बीच में एक फ्रिक्शनल इशू काटसाम। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।